हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ और कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर। कंटेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट देखो यह है कि अभी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक इनिशिएटिव, एक डिसीजन लिया गया है कि भाई जो भी हमारे देश में सड़क बनाई जा रही हैं उन सड़कों में जो मैक्सिमम मटेरियल है या जितना भी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं वो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यूज मटेरियल को करें। मतलब कि जो हमारे लोकल ऐसा मटेरियल होगा कि जिसका हम यूज कर सकते हैं और जिससे हमें कार्बन एमिशन भी कम हो, तो इन चीज़ों का हमें यूज करना है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो ये यहाँ पे स्टेक वे या एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक देखो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको भी ये मतलब एक तरीके से बाउंडिंग किया गया है कि भी आप हर साल जितनी भी रोड बना रहे हो उसकी 15% जो रोड है वो तो आपको जो यहाँ पे आपके पास वेस्ट प्लास्टिक हुआ या फिर जो सीमेंट डिस्टेबलाइजेशन हुआ या फिर इस तरीके की बात करें कॉन्क्रीट जैसी हुई, फ्लाई ऐश जैसी चीज़ें हुई, इनसे आपको बनाना होगा। तो ये ध्यान रखने कंपलसरी किया गया, मैंडेटरी है कि उनको 15% जो सड़क है, जैसे मानो कि एक स्टेट हर साल लगभग 1000 किलोमीटर सड़क बना रहा है तो उसको 15% सड़क है वो तो जो प्लास्टिक वेस्ट हुआ, सीमेंट हुआ, सेल फील्ड कंक्रीट हुई, इन सीमेंट के पैनल वगैरह हुए, फ्लाई ऐश हुआ, इसके साथ कोल्ड मिक्स हुआ, इन चीज़ों से मिलकर बनाना होगा। देखो इसका फायदा क्या होगा, आप ये देख सकते हो कि देखो लगातार कार्बन एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है और जो नॉर्मली जो सड़क बनाई जाती है वो बनाई जाती है डामर से, और आपको पता है कि डामर होती है वो पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है और वो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक होता है हेल्थ के लिए भी, और वो इन्वायरमेंट में अगर फैलता है तो उससे पानी भी पॉल्यूटेड है वो होता है, तो काफ़ी सारी बीमारियाँ होती जाती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है वो लिया गया है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे यूज करें। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी और नॉन कन्वेंशनल मटेरियल। ग्रीन टेक्नोलॉजी और नॉन कन्वेंशनल मटेरियल का मतलब ये है कि जैसे प्लास्टिक वेस्ट हुआ, देखो आपको पता है कि हमारे देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी मात्रा में हर साल प्लास्टिक जनरेट किया जाता है, और अगर हम उस प्लास्टिक को यूज है उसको अगर हम सही ढंग से मैनेज करें तो हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिल सकता है। जो प्लास्टिक वेस्ट हुआ या फिर जो कोल्ड मिक्स हुआ या फिर जियो टेक्सटाइल हुआ है या फिर फ्लाई ऐश हुआ या फिर आयरन और कॉपर के जो स्लेग के जो कचरा बचता है आयरन और कॉपर इंडस्ट्रीज के अंदर लास्ट में, उनको हम एक्चुअली रोड डेवलपमेंट में यूज है वो कर सकते हैं। मतलब ये जो कचरा बचता है इस कचरे से सड़क है वो बनाई जा सकती है, तो उस दिशा में एक अच्छा कार्य कदम है उठाने की बात यहाँ पे की गई है। अब हम इस स्कीम के बारे में कुछ और इनिशिएटिव भी देखते हैं। देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो इनिशिएटिव है ये लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे, मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे उनके सानिध्य में ये स्टेप है वो उठाया गया था। इसका मेन मोटो ये था कि जो रूरल एरिया में जो रोड है वो बनाए जाएँ ऑल वेदर कनेक्टिविटी के, मतलब कि हर टाइम में उन सड़कों का यूज़ है वो किया जा सके, इसके लिए ये रोड है वो बनाई जा रही थी, ये सड़क है वो बनाई जा रही थी। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी सड़क बनाई जा रही थी वो ये थी कि मेन सड़क से कनेक्ट करनी है, जैसे मान लो कि हाईवे हो गए यहाँ पे नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे, तो यहाँ पे जो लोकल छोटे छोटे रोड है उन सबको कनेक्ट किया जा सके ताकि कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग है वो बूस्ट किया जा सके, और उसके लेवल पर काफ़ी बड़े लेवल पर फिर काम भी किया गया था। अब यहाँ पे इसमें एक काम ये भी था कि जो पुरानी रोड टूटी फूटी हो गई हैं, काफ़ी खस्ता हालत है, उनको अपग्रेड भी किया जा सके और मार्केट की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनका जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा बूस्ट है वो किया जा सके। इसी के साथ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, एक छोटा सा एप्लीकेशन था जिसका नाम है मेरी सड़क। देखो मेरी सड़क है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका मोटो ये है कि कोई भी पर्सन इसके यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकता है कि भाई उस एरिया में उनकी सड़क है वो अच्छी नहीं है क्वालिटी को लेके, या फिर वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोड का तो उसको लेके वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है कि देखो इसमें मटेरियल वो सही ढंग से यूज़ वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे काम इस एप्लीकेशन के थ्रू किए जा सके हैं मेरी सड़क के तहत, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल बम्बू मिशन के बारे में। देखो राष्ट्रीय बम्बू मिशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये हमें ध्यान में रखना है, और इसका मेन मोटो क्या था वो इम्पोर्टेंट है। इसका मेन मोटो ये था कि किसानों की इनकम है वो बढ़ाई जा सके। हमारे देश में आपको पता है कि किसानों की हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रखी है, उनकी इनकम है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि फार्मर्स की इनकम है उसको बूस्ट किया जा सके। और इसके लिए हुआ है कि बम्बू सेक्टर है यानी बांस का जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ करने की बात और बांस इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। क्यों? क्योंकि देखो बांस का जो पेड़ है ना वो सबसे तेज गति से बढ़ता है, तो उससे प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में या काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है वो किसानों को मिल सकता है शॉर्ट पीरियड में, इसीलिए नेशनल बम्बू मिशन को लाया गया था।
अब इसमें ये प्रावधान किया गया है नेशनल बम्बू मिशन में कि जो नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट का जो एरिया है ना, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का वो एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, उस एरिया में नेशनल बम्बू मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसान है वो अपने खेत में भी पेड़, बांस के पेड़ को बो सकते हैं। आपको ध्यान होगा हमने पहले एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि जो बांस का पेड़ है पहले वो एक्चुअली फॉरेस्ट में काउंट होता था, बट बाद में इसको पेड़ की लिस्ट हटा के और मतलब नॉर्मल लिस्ट में रख दिया गया था, ग्रास की लिस्ट में, ताकि फार्मर्स हैं वो बांस के पेड़ों को उगा के और काट के बेच सकें। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जो बांस का जो पेड़ होता है ना, इसको ट्री की लिस्ट में काउंट किया जाता था, मतलब पेड़ की लिस्ट में रखा जाता था। बट गवर्नमेंट ने फिर देखा कि अगर ट्री की लिस्ट में होता है तो इसको फॉरेस्ट एक्ट के तहत हम काट नहीं सकते और किसानों को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बांस को ग्रास लिस्ट में डाल दिया था कि घास है ये और अब इसको काटा जा सकता है। तो ये भी एक चेंजेस किया गया था। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि बम्बू इज ग्रास वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने इसको ग्रास लिस्ट में डाला हुआ है। अब इसी के साथ देखो और इसमें इफेक्ट दिए गए हैं कि वो स्टेट जहाँ पे सोशल कॉमर्शियल इकोनॉमिकल एडवांटेज हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे इसके अनुकूल भूमि है, उस एरिया में बांस के पेड़ हैं वो बोए जाएंगे। जैसे देखो आपको बताऊँ कि हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जैसे हुआ इसके साथ ही मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, इन एरियो में बांस की खेती काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पे नेशनल बम्बू मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। अब देखो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इसके तहत ही सब स्कीम लाई गई थी। जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इससे नाम से समझ में आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको सस्टेन ढंग से आगे डेवलप करने के लिए स्कीम लाई गई थी और उसमें एक सब स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था नेशनल बम्बू मिशन। काम क्या था नेशनल बम्बू मिशन का कि भाई एग्रीकल्चर में के तहत ही किसानों की इनकम वो बढ़ाई जा सके, चाहे वो बांस का पेड़ हो या फिर कोई और मेथड हो। अब देखो नेशनल बम्बू मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि जो हिली एरिया है वहाँ पे 90% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। नॉर्मल जो स्टेट है वहाँ पे 60% पैसा और 40% में डिवाइड होता है और जैसे हम बात करें यूनियन टेरेटरीज की, और वहाँ पे क्या होता है 100% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ छोटे से फैक्ट हैं। इसी के साथ ही जो नेशनल बम्बू मिशन है इसका काम यही नहीं है कि केवल बांस को मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट करें या बेचें, जैसे बांस के बारे में जो प्रोडक्ट है इनकी लिस्ट को भी एक तरह से वेरी किया जा सके, इसमें डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके। देखो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है ना, या हम बात करें एमएसएमई, सॉरी हमारा सेक्टर, इसके अंदर बांस के द्वारा काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हैंडक्राफ्ट ही कहते हैं भी, और उन सबको भी यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है। और हम बात करें रूरल एरिया की या फिर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बांस की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो वो लोग हैं वो अपने बांस की टोकरियाँ वगैरह बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनमें भी हेल्प उनको करेगी, मंडी बाजार भी उनको प्रोवाइड करवाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बना के वहाँ सेल भी कर सकें। तो ये सारे इसमें कुछ प्रावधान है वो किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के बारे में। देखो आपको पता है कि जीएसटी आया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में और उसी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। क्या है यह बॉडी, हम इसके बारे में देखते हैं इस अथॉरिटी के बारे में। देखो आपको ध्यान होगा जीएसटी में अलग अलग स्लैब रखी गई है, 0% हुई, 5% हुई, 12% हुई, 28%, इस तरीके से 18% अलग अलग है, आपको इसको पता है। अब है क्या इसमें कि कुछ जैसे कई बार मानो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि बिस्किट पे पहले टैक्स लग रहा था 28%, ठीक है, तो बिस्किट ये मान लो कि 100 रुपये का बिस्किट था तो वो कितने में मिलता, 128 रुपये में वो मार्केट में मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके टैक्स की रेट कम कर दिए, मान लो कि बिस्किट को ला दिया 5% वाली लिस्ट में, इसका मतलब अब कितनी प्राइस होनी चाहिए बिस्किट की, अब बिस्किट की प्राइस होनी चाहिए 105। बट होता क्या है, जो काफ़ी कुछ जैसे हम बात करें दुकानदार या फिर काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है ना वो इसमें यहाँ पे दिमाग लगाती हैं, वो जैसे क्या करेंगी या तो बिस्किट की यहाँ पे प्राइस बढ़ा देती हैं जानबूझ के कि जैसे 105 का होना चाहिए ना बिस्किट, तो वो क्या करती हैं इसकी प्राइस एमआरपी वगैरह को बढ़ा देती हैं कि ये कर देती हैं लगभग 120 के आसपास ऐसे कुछ की, ताकि टैक्स मिला के जो प्रोडक्ट है उसकी ऑल ओवर जो रेट है ना जो पहले थी 128 उसमें और जो अभी की रेट है इसमें कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं तो है ना कि जो टैक्स कम किया था इसका फायदा उस पर्सन को मिल ही नहीं पा रहा है, आम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये काम एक्चुअली इसको रोकने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का निर्माण किया गया था कि भाई जो टैक्स जो जीएसटी के टैक्स रेट में अगर कमी की जा रही है तो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलना चाहिए, ना कि जो कंज्यूम सॉरी ना कि जो यहाँ पे शॉप है दुकानदार का मालिक है या फिर हम बोल रहे हैं कि कोई कंपनी है वो उसका ही बेनिफिट उठा सके, मतलब इसका फायदा टैक्स पेयर को मिलना चाहिए ना कि किसी और पर्सन को। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे देखें कि जैसे बिस्किट था पहले तो वो 128 का था, जब उसके टैक्स रेट 5% कर देगी तो हो गया 105 का। अब होता क्या है, कई बार जो कुछ दुकान वाले होते हैं वो जानबूझ के क्या करते हैं कि 128 रुपये कस्टमर से वसूल करते हैं,
या तो हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, या फिर जानबूझ के वसूल करते हैं कि चलो कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं, 128 रुपये वसूल कर लेते हैं, बोलते हैं कि जी बिस्किट है वो तो 28% वाली लिस्ट में आ रखा है। तो इस तरीके के रोको कामों को रोकने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसका काम क्या था कि जो टैक्स पेयर है उनको बेसिकली टैक्स की रेट है वो कम हो रही है तो उसका बेनिफिट मिले, ना कि किसी और लोगों को, और इसके लिए बॉडी है वो काम कर रही है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दो छोटी छोटी न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ तो ये है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट है वो नियुक्त की गई हैं। तो कौन है वो, इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे उन्होंने मतलब वहाँ पे पद है वो हासिल किया है, और वो पहली महिलाएं हैं जो कि इस पद के ऊपर मतलब विराजमान है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF है वो पहली महिला बनी है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ऐसे छोटे से फैक्ट कई बार UPSC पूछ लेती है। और ओवरऑल बात करें तो जो 11वीं चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की, वो तो ये भी एक छोटा सा एक फैक्ट हो जाता है। इसी के साथ एक छोटी सी स्कीम और थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। देखो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा लगी थी, हम बात करें यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वगैरह वगैरह। तो हमें ध्यान में रखना है कि कॉमर्स जो हमारी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके तहत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उन्हीं की स्कीम है। इस स्कीम का काम ये है कि हमारे देश में जो हिली या जो रिमोट एरियाज हैं, मतलब वो एरिया जहाँ पे हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, उन एरिया में इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप करना है, तो देखो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा हो जाता है, तो उस ट्रांसपोर्ट की लागत को कम करने के लिए उनको सब्सिडी जाती है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, इसके इफेक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। मिनिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है कि यार किस कौन सी एजेंसी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट है वो कर रही है। तो देखो ये तो थी आज की हमारी न्यूज, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में, यानी कि FRBM एक्ट 2003। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये बेसिकली जो FRBM एक्ट है ये फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए एक अटेम्प्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 0.3% है GDP का, वो है हर साल कम करने का इसमें प्रावधान किया गया है, ये इसमें कहा गया है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे FRBM एक्ट के बारे में, तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं, FRBM एक 2003 है, इसका मेन मोटो ये था कि देखो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे हो क्या रहा था कि हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा था। इसलिए ये एक्ट लाया गया कि भाई हम हमारे देश के ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, वो जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है या रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, इसको हमें कम करना है। और इसके तहत ये प्रावधान किया था कि गवर्नमेंट जो हर साल अपनी GDP का, जैसे अभी हम बात करें रिसेंटली तो GDP का लगभग आई थिंक 3.5 या 3.8 के आसपास हमारा खर्चा है, मतलब GDP का 3.5% तो हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा डाटा है जो हमें ध्यान में रखना है। तो वो बेसिकली जो इस तरह के डाटा है ना कि हमारे अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है, ये एग्जाम से जस्ट पहले हमें रिवाइज करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी बार वेरी कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था इस FRBM एक्ट में कि भाई हम हर साल GDP का 0.3% जो हिस्सा बनता है उसको हम फिजिकल डेफिसिट के तहत कम करेंगे, मतलब इतना खर्चा हम हर साल कम करेंगे ताकि जो हमारा घाटा है गवर्नमेंट का, उस घाटे को धीरे धीरे करके खत्म किया जा सके। तो ये था FRBM एक्ट जो कि 2003 में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको बताना है, उसमें आपको पेयर्स हैं वो अरेंज करने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया नजका प्लेट, दूसरा है यहाँ पे कैरोलाइन प्लेट, और तीसरा है फिलिपाइन प्लेट। तो अभी आपको आपके सामने देखो मैच द फॉलोइंग में सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि जो नजका प्लेट है वो एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, दूसरा आपके सामने यहाँ पे दिखा है कैरोलाइन प्लेट वो दिया गया है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में, और तीसरा यहाँ पे दिया गया है फिलीपींस प्लेट के बारे में कि यह सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इन तीनों को करेक्टली मैच करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि नजका प्लेट कहाँ पे है, कैरोलाइन प्लेट कहाँ पे है, और फिलीपीन प्लेट है वो किस किस के बीच में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे आया है कि देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उससे दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में तो उससे एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो हम इस एग्जांपल से इसे समझते हैं, जैसे कह रहा है कि वन ऑफ कंट्री हायर इन्फ्लेशन देन अनदर, ये मान लो कि इंडिया में महंगाई बढ़ गई, तो अब क्या करो, ये मान लो कि इंडिया में कोई बिस्किट का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो कि पहले आता था वो 60 रुपये में और अब इंडिया में महंगाई बढ़ गई, मतलब अब ये मान लो कि वो हो गया 70 रुपये का। अब खुद देखिए
डॉलर की कंपेरिजन में आप एक बार कंपेयर करके देखो, ये क्या कह रहा है कि अनोदर कंट्रीज के में कंपेरिजन करना है। डॉलर के एग्जाम्पल लो कि डॉलर की रेट कितनी भी चल रही होगी, चलो एक्स वाई जेड जो भी हो। अब देखो डॉलर की कम रेट ये मान लो कि यहाँ पे हमने मान ली 70 मान लिए जो भी हो। अब पहले क्या हो रहा था, पहले तो हमें केवल 60 रुपये ही देने पड़ रहे थे एक बिस्किट के लिए, और अभी कितने देने पड़ रहे हैं 70। इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारी जो करेंसी है ना इंडिया की करेंसी, इसको हमने डिवेल्यूएट कर दिया, इसकी हमने वैल्यू गिरा दी है, तभी तो इसकी रेट महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने में क्या होता है कि चीज़ें मेरी महंगी हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाती है, तो इसका मतलब होता है डेप्रिसिएटिंग, मतलब हमने हमारी मुद्रा को डेप्रिसिएट कर दिया है, तो यहाँ पे अवमूल्यन हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की करेंसी है उसको हम एक तरीके से डेप्रिसिएट कर रही है, या उसका हमने अवमूल्यन कर दिया है, उसकी वैल्यू गिर गई है, तो वो मतलब हमारी करेंसी है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी मार्केट में, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछती रहती है इकोनॉमिक से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये पूछा गया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। पहला ऑप्शन आपके सामने एड्स, दूसरा है यहाँ पे स्क्रेबीज, तीसरा ऑप्शन है पोलियो, और चौथा है यहाँ पे पायरिया। देखो हम बात करें एड्स के बारे में तो यह तो होती है वायरस जनित। अब हम बात करें यहाँ पे पोलियो के बारे में तो पोलियो भी आपको पता है कि यह भी होता है वायरस से, और इसने पूछा वायरल, तो इसका मतलब एक और तीन तो बिल्कुल नहीं होने। अब एक और तीन को आप एलिमिनेट करिए, मतलब पहला ऑप्शन भी गया, दूसरा भी गया, और हम बात करें तीन के तो तीसरा भी गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे तीन आ रहा है तो तीन तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन बचा क्या, डी बचा। अब हम बात करें पायरिया, पायरिया तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना कि पायरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया। अब हम बात करें स्क्रेबीज के बारे में, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो स्क्रेबीज है वो किससे जनित रोग है, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।